हेलो फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं उदय टेक नॉलेज। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से 5 मिनट में आप एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं। आपको सर्वप्रथम अपने पीसी में ऐड ऑफ फोटोशॉप या आपके पास और कोई हो एलआर वगैरह हो वो खोल लेना है। आप ऐड ऑफ फोटोशॉप अब हमारा खुल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स फोटोशॉप को के खुलते ही आपको क्या करना है, फोटोशॉप में आपको यहाँ फाइल दिख रहा होगा, आपको फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ब्राउज से आपकी जो पिछली फ़ोटो हो वो निकल सकती है इसमें। जैसे वरना आपको तो जैसे फ़ोटो यदि आप डेस्कटॉप पर रखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए इसके लिए हम मिनिमाइज कर देते हैं, और यदि आप डेस्कटॉप पर आप फ़ोटो रखे हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पर अभी नहीं है, हम निकाल लेते हैं अभी। हाल बहुत से फ़ोटो हैं फ्रेंड्स हमारे पास, तो उसमें से हम निकाल लेते हैं कुछ फ़ोटो। मान लीजिए जैसे अब ये निकाल ली हमने फ़ोटो, अब क्या करना है हमें, इस फ़ोटो को सीधे स्क्रॉल करके सीधे आपको उसी पर फोटोशॉप पर ले जाना है और उस पर रख देना है। आपकी फ़ोटो यहाँ पर रखे जाने के बाद आपको क्या करना है, ये टूल दिख रहा होगा आपको, क्रॉप टूल। क्रॉप टूल पे आपको देखना है कि आपकी ये चौड़ाई है जो वो 3 सेमी और जो आपकी हाइट है ऊंचाई वो 4 सेमी होनी चाहिए। रेजोल्यूशन 115 कर लीजिए, पिक्सल में सेम कर लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए उसमें। ओके, उसके पश्चात आपको इससे क्रॉप कर लेना है और वो सेटअप कर लेना है जितनी आपको फ़ोटो चाहिए इतनी दोनों की। मतलब यहाँ पर तो है हम तो ठीक है, वैसे हमारी आपको इतनी लेनी है इसके हिसाब से इतनी। तो फ्रेंड्स फिर आपको क्या करना है कि बस इतनी करने के बाद एंटर कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारी फ़ोटो क्रॉप हो गई है। तो अब आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको इसके में कुछ ब्राइटनेस कम बढ़ करने के लिए आपको कंट्रोल एम क्लिक करना है। जैसे आप कंट्रोल प्लस एम क्लिक करेंगे आपके पास ये कर्व आ जाएगा, कर्व इसे कर्व बोलते हैं, कर्व। इससे आप अधिक कम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। जैसे हमें फ्रेंड्स थोड़ा ये जाना है तो हम कम कर लेते हैं, इतना ठीक रहेगा। उसके बाद हम ओके कर लेते हैं। और भी यदि आप करना चाहते हैं तो कंट्रोल और एल, कंट्रोल एल से आप देख सकते हैं लेवल्स से भी, इससे ये भी एक गजब है, इससे भी हो सकते हैं। देखिए हम कर चुके हैं। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कंट्रोल ए सिलेक्ट कर लेना है या फिर इसी पर राइट क्लिक करना है, और नीचे सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और ये स्ट्रोक पर कर देना है। इससे क्या होगा, आपका बॉर्डर लग जाएगा। बॉर्डर के लिए कलर है, कलर आपको ब्लैक है कोई भी करना वो आप कर सकते हैं यहाँ से किसी भी कलर के। अब हमें ब्लैक चाहिए तो ब्लैक कर लेते हैं और ओके करके 5 पिक्सल जाना हो जाएगा, हम 4 कर लेते हैं, 4 पिक्सल और ओके कर दिए। हाँ, और हाँ फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पर आपका लोकेशन में इनसाइट होना चाहिए। ये आप सेंटर करेंगे तो गलत, और साउट करेंगे तो भी गलत हो जाएगा, इनसाइट होना चाहिए। ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बॉर्डर लग चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कंट्रोल एन दबान क्लिक करना है। कंट्रोल एन से आपके पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद ही आपको या इस टूल पर जाना है, इस पर क्लिक करना है, क्योंकि आप फोटो इसी टूल की सहायता से इस न्यू पेज पर रख सकेंगे। आप इसको उठाकर अब आपको सिंपली क्या करना है कि इसको इस तरह स्क्रॉल करके यहाँ पर एक किनारे रख देना है, एक और फिर क्या करना है, आल्ट को आपको दबाए रहना है। और उसके बाद आपको जैसे ही आप आल्ट को आप दबाए रहेंगे और उसके बाद आप इस प्रकार से उठा के अपनी फ़ोटो आप रख सकते हैं, कितनी भी आप उसकी कॉपीज निकाल सकते हैं, बस आपको आल्ट दबाए रहना है। मैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आल्ट दबाए हुए, जैसे ही मैंने आल्ट छोड़ा, आप देखिए अब फोटो नहीं डबल नहीं हो सकती कॉपी, इसलिए आपको इस प्रकार से कॉपी कर लेना है। और यदि आप हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल आल्ट करके जेड करते जाइए, आपकी सभी यदि जाना होंगे तो वो हट जाएंगी। उसके बाद हमें सिर्फ यहाँ पर 4 चाहिए, यदि तो 4
अल्ट दबा के 4 फोटो हम व्यवस्थित कर लेते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इस प्रकार से हम लगा लेते हैं, 5 फोटो हो गई हमारे पास। बस सिंपली फिर क्या करना है हमारे लिए, आपको अब ये सब हो गया, अब आपको व्यवस्थित कर लेनी है क्रम बाई क्रम से, ताकि आपके पेज पे ख़राब ना हो। तो फिर बस आपको इस प्रकार से सही तौर पर आपको ये लगा लेनी है। और बस फिर एक और रह गई हमारी ये, हाँ बस फ्रेंड्स लग गई। अब आप सिंपली कंट्रोल पी दबाएंगे, इसके साथ ही आपका ये हो जाएगा। इस पर आप फ्रेंड्स ये बात ध्यान देने कि स्केल टू फिट मीडिया पर आपको एक बार क्लिक ज़रूर करना है, उसके बाद इस पर उतना ज़रूरी नहीं है। और बस फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ प्रिंट पर कर देते हैं, प्रिंट प्रॉपर्टीज पर जाना, प्रॉपर्टीज़ प्लेन पेपर्स की जगह आपको एप्सन प्रीमियम ग्लोरजी, आपका भी जो भी पेपर आप यूज़ करते हो वो आ जाएगा, आप वो करना है आपको। स्टैंडर्ड में आप हाई भी कर सकते हैं, मोर सेटिंग में कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं। ड्राफ्ट में बहुत ही कम सही कम आएगा और हाई में बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आएगा। आप स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं हम यहाँ पर, हाँ। और फिर उसके बाद बस हमें ओके क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पर भी ओके क्लिक करना है। और बस फ्रेंड्स अब हमारा हो चुका है, चूँकि हमें नहीं निकालना है इसलिए हम कैंसिल कर देते हैं। बस फिर अब फ्रेंड्स आप इसी प्रकार से आप प्रिंट कर सकते हैं, चूँकि फ्रेंड्स अब आपको ये हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपको इससे कुछ सीख मिली हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको और अपडेट्स मिलती रहें। और हाँ, इसे शेयर करना मत भूलिए, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।